वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ। देखिए आज मेरे मायके में मेरा दूसरा दिन है। फर्स्ट डे तो बहुत एक्साइटिंग था और सेकेंड डे और भी एक्साइटिंग। मैं अभी स्कूल जाके आई हूँ तो सोचा कि ऊपर हमेशा मेरे मदर आके इनको वाटर करते हैं प्लांट्स को और फिर कभी कभी इनकी गुड़ाई भी करते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं हूँ तो मैं ही कर लूँ। तो मैंने इनको इससे पानी डाला। फ्रेंड्स ये मेरे को बहुत पसंद है, इससे जो जब वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं अपने प्लांट्स का एक बार दिखा देती हूँ आपको। रोजेस है, मैरीगोल्ड है और इसको चामन पालक। देखिए ना फ्रेंड्स, देखिए पालक, ये दूसरी बार आया हुआ पालक है। ये पहली बार आया था तो थोड़ा हमने ले लिया था, इसमें दाल में डाला था ये, तो ये अभी फ्रेश वाला है, इसको अभी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और आप देख सकते हैं ग्रीन चिलीज रेड हो गई हैं क्योंकि हमने इसको नहीं तोड़ा था। और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, एक्चुअली इनको तोड़ने का मन ही नहीं करता। और फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। देखिए फ्रेंड्स और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बैंगन राजा, बैंगन भी आ गए हैं इस वाले प्लांट में। तीन बैंगन है, 1, 2 और ये छोटू सा 3, ये रहा 3। बहुत अच्छा लगता है ना जब सब्जियां आप खुद उगाते हो, मज़ा आता है। और अभी थोड़ी गर्मी भी आ गई है तो थोड़े इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इनका। तो हर कोई ये कोशिश करे कि थोड़े से प्लांट्स आप अपने घर पे रख लें, जितने आप देखभाल जितने प्लांट्स की कर सकते हो एटलीस्ट उतने तो रख ही लें। तो इससे क्या होता है ना, फ्रेशनेस रहती है, आपको एक टास्क मिल जाता है जिससे स्ट्रेस कम हो जाता है। बहुत यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। बहुत डिसिप्लिन फैमिली है मेरे मायके में और डिसिप्लिन में रहते हैं बहुत। सुबह सुबह योगा कराया था मुझसे, और क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेरी बैक पेन हो रही थी तो कहा था कि थोड़ा योगा अपने रूटीन में लेकर आ जाओ, तो इसीलिए अभी आज से शुरू किया है। थोड़ा सा जो इजी इजी होता है वो उससे शुरू किया है, तो अभी मेरे को वो रूटीन में लाना पड़ेगा अपने को हेल्दी रखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, भूख लग रही है, नहा लूं क्या अभी पहले? कब जाएंगे फिर? 10 बजे? जल्दी तैयार हो जाओ, नहा लो सब लोग। हाय फ्रेंड्स, देखिए ना अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं दरगे जाने के लिए। और आज जो है 3rd day है, वहाँ पे जो उर्स का 3rd day है, तो हम आज जा रहे हैं क्योंकि आज 2nd Saturday मुझे छुट्टी मिली है। एक्चुअली हम कल शाम को ही जाना चाहते थे लेकिन कल मैं थोड़ा स्कूल से लेट भी हो गई और थोड़ा काम भी था, तो लेकिन आज हम लोग ज़रूर जा रहे हैं। अभी नाश्ता करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग। तो आज देखिए मम्मी लोगों की हेल्पर अभी नहीं आई थी, तो लेकिन हम लोग को बाहर जाना है तो शायद से वो ना आए। उसने कोई हम लोग फ़ोन करे तो भी उसने उठाया नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा मामा का हेल्प कर लेंगे। तो मैंने पूरे थोड़ा सा जो आंगन में वर्क वगैरह था कंप्लीट कर लिया, बर्तन वगैरह का। मम्मी नाश्ता बना रहे हैं और अभी झाड़ू पोछा हो जाएगा, फटाफट नहा धो के अभी रेडी हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, ये काले शाह वली मस्तान बाबा का दरगाह है। हम बचपन से यहाँ पे आते हैं, इनका उर्स है यहाँ पे। अंदर बाबा का दरगाह इस तरह रहता है, यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है बाबा। तो बहुत करामत वाले हैं। मेरी मम्मी वहाँ पे है, लाइट ग्रीन साड़ी में आ रहे हैं। देखिए मेरी सिस्टर यहाँ बैठ रही है, थोड़ी देर थक गई थी। यहाँ पे पूरा इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि भीड़ वगैरह ना हो करके, और बाहर मेला भी लगा है फ्रेंड्स, वहाँ पे भी मैं आपको ले जाऊँगी। हम लोग हमेशा यही वाली आंटी के पास लेते हैं। 10-15 सालों से ये उनको पता है, हम यहीं से लेते हैं सब। पहले इनकी मम्मी हुआ करती थी यहाँ की। मेरे मम्मी वहाँ पे फ्लावर्स खरीद रहे हैं, और ये मेरी बहन है। देखिए बूंदी पे 786 लिखा हुआ है। कम भी नहीं कर रही फ्रेंड्स, लेकिन मेरे मदर बार्गेनिंग में लगे हैं, उनको वो डॉल शायद बहुत पसंद आ गई। वो डोरेमोन कितने? 350। डोरेमोन 350 का है फ्रेंड्स। ये पिंक टेडी अच्छी है। बॉयज के खिलौने मस्त हैं, गर्ल्स के सिर्फ डॉल्स वगैरह ही हैं। बॉयज में तो पूरी डिफरेंट टाइप की कार्स हैं, हेलीकॉप्टर है, वीडियो गेम्स हैं। और गर्ल्स का किचन सेट भी है यहाँ पे, प्लास्टिक का। अच्छा मस्त है ना।
टेडी बेयर्स। अम्मा ने हम दोनों के लिए एक एक डॉल लिए। कहते हैं ना, एक रिवाज बना लिया है कि यहाँ आना है तो कुछ ना कुछ खिलौना लेना ही है, इसीलिए वहाँ पे एक डॉल की जो छोटी वाली स्कर्ट पहनी थी तो वो नहीं चाहिए थी मम्मा को, ये बड़ी वाली स्कर्ट वाली डॉल खरीदना, एक मेरे लिए और एक मेरी बहन के लिए। चलो बैग में डाल लो, अच्छी है डॉल। सारे खिलौने मेरे पास जो डक्स हैं वो यहाँ के लिए फ्रेंड्स, वो यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स की तो ये डॉल्स वगैरह हैं, लेकिन आजकल ना गर्ल्स बॉयज़ कुछ नहीं होता, दोनों किसी से भी खेल लेते हैं। तो डॉक्टर सेट्स हैं, गन्स हैं और किचन सेट है यहाँ पे, तो मज़ा आता है ना, बचपन याद आ जाता है मेरे को ना। फ्रेंड्स ये बॉल खरीदना, लेकिन कल खरीदूंगी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी, आज तो मैं अपने मॉम और सिस के साथ आऊँगी। देखिए कितने अच्छे खिलौने हैं इस दुकान में, कितनी बड़ी डॉल्स, अच्छी है ना। सिस्टर को और टॉयज खरीदने हैं शायद, बहुत अच्छे लगते हैं हम दोनों को ही टॉयज। देखो फ्रेंड्स हमें एक इंटरेस्टिंग सी प्यारी से दिखा रही है, देखिए ना मेरे को बहुत पसंद है, और भी आपको दिखा देती हूँ। हाँ 40 कह रही है ये। चलो डैडी को भी चिड़िया चाहिए ना, काम तो यही लेके 40 कहीं 40 रुपए दो ले ले, 60 में कम करते हैं। दरगे के पास ही एक बहुत बड़ी शॉप है, पत्तमा शॉपिंग मॉल कहते हैं इसको, यहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, जिम आइटम से लेके आपके घर की क्रॉकरी तक मिलती है। हम आज यहीं पे जा रहे हैं क्योंकि फिर यहाँ आने बहुत टाइम लगता है और थोड़ा दूर ही है हमारे घर से। ना फ्रेंड्स मलामाइन के कितने सारे वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। ईद से पहले हम यहाँ ज़रूर आते हैं और जब भी दरगाह आते हैं बाबा के तो यहाँ पे आते ही आते हैं। इसके बाद वाइट वाले प्राइस देखना कितने वाले, हाँ 80 रुपीज़। फ्रेंड्स देखिए ये 80 रुपीज़ का मलामाइन का है, ₹35। तो एक्चुअली हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि मॉम को एक बहुत अच्छी छोटी सी कटोरियाँ चाहिए थी। ये टी शर्ट देखिए ना फ्रेंड्स कितना क्यूट है, बहुत अच्छा है ना।
इसको बहुत पसंद आया। इसका कॉस्ट पता नहीं कितना होगा। इधर कॉस्ट कितना दिन? 280 280 ना जात फर्द दिन। ओके ओके, टू सेट्स है उन्हें, इनका कलर्स उन्हें हैं, कलर्स उन्हें हैं, इवे उन्हें हैं। ओके, इधर वाला 280 ना 380 ओके, डिजाइन वाला गोल्ड है ना। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये 280 कह रहा है, लेकिन बहुत क्यूट है। इसमें 4 कप्स, इस तरह का एक कप है और एक टी पॉट है। सॉसेज एम लेव का ना, दीन की लेव। ओके, वैसे तो मेरे पास है ना, इसलिए नहीं ले रही, लेकिन पसंद तो आ गया था। अच्छा, भी मेरी मॉम ये देखेंगी ना तो भी टेंट हो जाएंगे और कहेंगी मेरे को लेना है। यहाँ पे आओ, देखो तुम्हारी काम की चीज़, टी कॉफी शुगर। वाह, 90 रुपीस। वाह, बर्थडे गिफ्ट पे हम दे सकते हैं ये वाला 495 का ये सेट। और एक है वैसे ही वाला। ये तो ग्राउंड फ्लोर है फ्रेंड्स, और जब आप ऊपर की तरफ जाओगे वहाँ पे आपको फ्लावर पॉट्स, वॉल क्लॉक्स, फर्नीचर और जिम आइटम्स वगैरह सब मिलेंगे, लैंप्स वगैरह। और इस साइड आप देखते हैं क्लीनर्स वगैरह सब हैं, बास्केट्स। वेरी नाइस, शायद तो ये वीडियो मेरा सबसे बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको भी दिखाना है ना फ्रेंड्स। देखिए मेरे मम्मी क्या खरीद रहे हैं, उनको अगर छूट दे दी जाए ना तो सारे की सारी दुकान खरीदने हो। लेकिन हम लोग कहते रहते हैं मम्मा नहीं अभी, लेकिन इतनी सुंदर चीज़ें हैं, कैसे मन रहेगा कि खरीदे ही ना। लेडीज़ को तो बहाना चाहिए, देखिए ना कितना खूबसूरत है। वाह, ये कितना अच्छा है, देखो ना इसका जो शाइन। हो गई आपकी शॉपिंग? ये दोनों किचन क्वींस हैं फ्रेंड्स, इनको किचन की एक्टिविटीज़ ही करनी होती है ज़्यादातर, इसीलिए ये वही चीज़ें खरीदते हैं। हो गया? हो गया तो बोलो। तो हाँ, मैं आपको बताना बोलूँगी, हम लोग ये लेने आए थे छोटी छोटी कटोरियाँ। कितना क्यूट ग्लास। तो हम लोग ये वाले ले रहे हैं, मेरी सिस्टर को चाहिए था, उनके पास 4 हैं तो, और मैं 2 ले रही हूँ फ्रेंड्स, और ये लोग 4 ले रहे हैं। मैं 2 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत क्यूट लगे, काम आ जाएंगे। डिफरेंट वैरायटीज के ग्लासेस हैं, देखिए चैनल हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ। अच्छा मिल गया ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ, हाउ आर यू एवरीवन।
ప్రాబ్లం సరిగ్గా రావాలి. ఎదిరితే ముక్కరాజు గారికి రాకనేది ఎవరు మనయ్య కాదు ఇంకో రెడీ అని. धूप में घूम के मैं तो थक गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा बैठ गई हूँ. तो ये लोग अपनी शॉपिंग में बिजी हैं. यहाँ पे तो बार्गेनिंग नहीं होती तो जल्दी कर देंगे, बस यहाँ इसीलिए ये लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं चीज़ें. उसको भी इरिटेट कर रहे हैं शॉप वाले दोनों भी. देखिए हमारी शॉपिंग हो गई और अभी जा रहे हैं. ये हुई क्रॉकरी पूरी और देख सकते हैं धूप कितनी है. नहीं गर्मी है बाहर, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया. अभी फटाफट खाना बनाना पड़ेगा और सबसे पहले पेट पूजा करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या खरीदा वहाँ पे और क्या क्या किया. नहा के आती हूँ, बहुत गर्मी है, पसीने में तर हो गए.